तो अब मैं पता लगाना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी तो आप गिवन, प्लेन मिरर की बात हो रही है बेटा। प्लेन मिरर के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है हमें। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मिरर है, जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, ये हमारे पास कोई एक मिरर है यहाँ पर, कुछ इस तरह से। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। हमारा जो मिरर है बेटा वो वाई एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है कि ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर मिरर के सामने, आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका कुछ एक है कंपोनेंट वगैरह, मतलब कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा एंड इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। अभी एक्स कॉमा वाई तो आपने पढ़ा होगा, जानते हो इसको? यस सर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस कोऑर्डिनेट से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? आपको इंफॉर्मेशन ये मिली, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट मिरर से, मतलब यहां से कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, और कितनी हाइट पर है, वाई हाइट। जब इसकी इमेज बनाई तो हमने पढ़ा था कि मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है परपेंडिकुलरली, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है बेटा परपेंडिकुलरली, वहीं जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होता है, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है लेकिन बैक साइड। तो अब इसका मतलब यह है कि जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट होगा -x, y। बोलो सही लिखा है? क्लियर हो गई होगी बात? तो वाई तो वही रहेगा बेटा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव होता है बेटा, वो उस एक्सिस वाला डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है जिसके परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसके अलावा जो परपेंडिकुलर है मिरर के। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है मिरर के, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया नेगेटिव। अगर हम ऐसे रखते ना इस मिरर को, ऐसे रखते तो सोच वाई एक्स एक्सिस के अलावा रख देते, अभी जब आप यहाँ पर निकालते इमेज तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते आप, है ना, ये होता वाई, ये होता है एक्स, इमेज कहाँ बनती, ठीक नीचे यहाँ पर, है ना। तो वाई हो जाता है निगेटिव, एक्स बच जाता। तो जो एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर होगी बेटा, जो एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर होगी उसी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सबका कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर जेड कोऑर्डिनेट भी होता तो यहाँ पर भी जेड आता, सिर्फ और सिर्फ उसका कोऑर्डिनेट बदलता है जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखें ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में, इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, सो यू विल से दिस इज एक्स। तो अब हम यहां पर लिखते हैं बेटा एक्स आई एम, इट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ओ एम। बोलो सही लिखा है क्या? आई एम मतलब इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ओ एम का मतलब बेटा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। थोड़ी नई बात होगी आपके लिए, बट जल्दी आप हैबिचुअल हो जाओगे क्योंकि आपने 9th में ज्यादा कुछ टाइप पढ़ा नहीं है। तो एक्स आई एम मतलब हो गया बेटा पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एक्स ओ एम हो गया बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड हियर वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट एक्स आई एम इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ओ एम। Is that clear? Yes, sir. Good. Now what? Now the y I m
y coordinate of image with respect to mirror, so it's not going to change, it will remain same. So from this experiment, we are going to get that the coordinate, that coordinate of object will be negative, which axis is perpendicular to mirror. जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू मिरर है उसी की इमेज जो हो उसी का जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है मिरर के, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया नेगेटिव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो एक्स आई एम है ना वो नेगेटिव है, तो हमने एक्स ओ एम को नेगेटिव क्यों लिया है? मैंने वही तो लिखा है बेटा, एक्स आई एम इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ओ एम। क्या कर दी? अच्छा यस सर। जितना x है, जितना ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है x, तो इसका माइनस x है। यस सर। ठीक है, ये तो बात हुई पोजीशन की, ठीक है ना। अब पोजीशन के बाद क्या होता है? पोजीशन के बाद ये है, इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट व्हाट डिफरेंस, मतलब यार आपको डिफरेंशिएशन पढ़नी हो। अच्छा अच्छा बेटा, आपने ये पढ़ा होगा ना कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। आपने ये पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, हर किसी ने पढ़ा है, पढ़ा है क्या? बोलो बेटा, पढ़ा है? नो सर। क्या किसने बोला? नो सर। तन्वी आपने बोला? नो यार, नाइन्थ में आपने क्या पढ़ा? नाइन्थ में आपने एवरेज वेलोसिटी नहीं पढ़ा? नाइन्थ में एवरेज वेलोसिटी पढ़ा ही? सही से बताना, झूठ नहीं बोलना। बोलो भाई, पढ़ी थी आपने एवरेज वेलोसिटी? भाई यही तो पढ़ा था यार, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम। सर ऐसा फॉर्मूला नहीं था ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, वो वेलोसिटी थी। एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा था? नहीं देखा ऐसा कभी कुछ? सर देखा है, देखा है सर, देखा है। तो यही तो है बेटा डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा एक सिंबल होता है। और ऐसा नहीं हो सकता नाम में ना देखो यार, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुम बाकी की बात कर रहे हो, क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस तरह से। ये डेल्टा जो होता है बेटा, डेल्टा ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को, डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हमने जिस भी क्वांटिटी के आगे डेल्टा लिख दिया मतलब क्या है कि आपसे डिफरेंस की बात हो रही है। डेल्टा एक्स लिखा मतलब क्या है? एक्स टू माइनस एक्स वन। डेल्टा टी लिखा मतलब क्या है? टी माइनस टी। सो व्हाट एवर, ठीक है। अभी आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी होता है ना वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, if you are going to divide these things, these positions, ठीक है ना, आप इन positions को time के respect में अगर time से divide कर दोगे तो आपको मिलेगा बेटा velocity। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप इसको time से divide करोगे आपको velocity मिलेगा। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए लिख दो कि change in position of image with respect to mirror upon delta t is equals to माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन डेल्टा टी। बोलो बेटा सही लिखा है भाई? ये जो हमारा एक्स आई एम था, ऑब्वियसली द पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वाज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इक्वल था। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेगी तो इमेज की पोजीशन भी बदलेगी। कितना बदलेगा? सेम बदलेगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या थी बेटा? बराबर। तो इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन में चेंज आएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट आएगा। बोलो ये सही लिखा है? अभी भी आप देख सकते हो डेल्टा टी कैंसिल करोगे तो आपको वही मिलेगा, एक्स आई एम इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस। बोलो समझ आ रहा है?
Now what you will say, this is the velocity of image with respect to mirror is equals to minus times of velocity of object with respect. इससे यही indication आया ना, भाई delta x I m upon delta t जो है वो क्या है, velocity. Delta x I m upon delta t क्या हो गया, velocity of image with respect to mirror. Delta x I m upon delta t क्या हो गया, velocity of object with respect to mirror. So ये तो आ गया बेटा x के अलावा. अभी यहाँ पर जो बात हो रही थी ये बात हुई है x एक्सिस के अलावा, इसको ध्यान देना. तो x एक्सिस के अलावा वेलोसिटी में चेंजेस आए बेटा, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है ना. अच्छा y कोऑर्डिनेट के साथ कोई चेंज आया क्या, डेल्टा y I m इज इक्वल अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा y को m अपॉन डेल्टा t. So there will no any change. Velocity of image with respect to mirror along y-axis is equals to velocity of object with respect to mirror along y-axis. तो ये important formula बेटा, note करो इसको, ठीक है. कोई दिक्कत हो यहाँ तक, अभी तक जो बताया इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ. है कोई दिक्कत? नो सर. गुड. नोट कर लिया? यस सर. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो आपने यहां पर पढ़ा इसका मतलब क्या है. तो आपने पढ़ा कि वी आई एम velocity of image with respect to mirror equals to velocity of object with respect to mirror, और वो भी minus में if you are talking about the x-axis, ठीक है ना. x-axis के बारे में अगर आप बात करें तो ये जो IM होता है बेटा, इसका मतलब होता है velocity of image minus velocity of mirror. अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि velocity of image with respect to mirror, तो आप क्या लिखोगे, velocity of image minus velocity of mirror. So this will be equal to minus times of velocity of object minus velocity of mirror. So अगर आपसे पूछा जाए कि what is the velocity of image की actual velocity क्या हो जाएगी बेटा? अच्छा इसको ऐसे लिखा हमने, ये किसके रिस्पेक्ट में आया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट. रिलेटिव वेलोसिटी तो आपने सुनी भी नहीं होगी शायद अभी तक, सुना है क्या? क्यों भाई, डू यू नो अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी? अरे कोई बात नहीं यार, हम तो है ही है, हमारे पास टाइम है, हम बताएंगे. नहीं पढ़ा होगा तो उसमें क्या है? नो सर. नहीं पढ़ा है ना? नो सर. तो ये सब वैसे नाइन्थ के कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन आपकी नाइन्थ में शायद फिजिक्स आपको आठ दिन में पढ़ा के खत्म कर दी गई, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा कि टॉम एंड जेरी सबने देखा है ना, कभी कभी ऐसा होता है वो जेरी भाग रहा होता है, टॉम उसको पीछे से पकड़ने वाला होता है और जेरी यूं पीछे मुड़ के देखता है, तो वो एक ही जगह पे खड़ा होकर अपना पैर ऐसे चलाता रहता है, एक ही जगह पे खड़ा होकर के, और टॉम उसकी तरफ आ रहा होता है, वही फीलिंग है रिलेटिव वेलोसिटी, सेम फीलिंग है रिलेटिव वेलोसिटी. आप चल रहे हो, आपके साथ कोई और चल रहा है, आप उसको देखने लगे और अपनी वेलोसिटी को भूल गए, उसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कितनी है, वही है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है. मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इफ द इमेज इज मूविंग एंड मिरर इज आल्सो मूविंग, इफ मिरर इज आल्सो मूविंग, इसलिए मैंने एक जनरल केस दिया बेटा, इमेज भी मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है, तो अगर दोनों चीजें मूव कर रही, इमेज भी और मिरर भी मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी,
मतलब क्या है, मतलब ये है कि मिरर ने इमेज की वेलोसिटी को देखा और किसी को बताया। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मिरर ने इमेज की वेलोसिटी को देखा और किसी को बताया। तो जब मिरर इमेज की वेलोसिटी को देख रहा था तो उसने अपनी वेलोसिटी को जीरो मान लिया, मतलब उसने सोचा कि वो रेस्ट में, वही जैसे जेरी बैठा हुआ तब तो लगा कि वो रेस्ट में, पीछे से टॉम को पकड़ने आ रहा है, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन आती है। तो जो वेलोसिटी मिरर ऑब्जर्व करेगा दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है बेटा। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि इमेज की वेलोसिटी में से मिरर की वेलोसिटी को माइनस कर दो, एंड इट विल बी मच बेटर इफ यू विल राइट डाउन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा, बिकॉज़ वेलोसिटी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, यू कैन नॉट से दैट एब्सोल्युटली एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन, मतलब आप नहीं बोल सकते कि ये कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में, इवन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर बट यू आर नॉट इन एब्सोल्युट रेस्ट, ठीक है ना। वो लोग जो ऐसे भी पढ़ रहे होंगे ना चद्दर के अंदर बैठ के, वो भी रेस्ट में नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है बेटा, बिकॉज एट अ टाइम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में तो किसी के लिए रेस्ट में होता है, ठीक है। एक मान लो मूविंग व्हीकल है, उस व्हीकल के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे होंगे वो सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, रेस्ट में। लेकिन जो आदमी सड़क पर खड़ा है उसी आदमी के लिए वही पैसेंजर मोशन में, तो एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर किसी के लिए रेस्ट या किसी के लिए मोशन में हो सकता है। तो इसलिए हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही वो स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जी जी, मतलब हो गया बेटा क्रम। और जो फॉर्मूला बनता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड यू आर फ्री टू चूज द रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। सो इट विल बी मच बेटर टू टेक अ ग्राउंड बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक ऑलवेज ग्राउंड, लेकिन ये मैंडेटरी जरूर है कि जिसके रिस्पेक्ट में ए का लिया उसी के रिस्पेक्ट में बी का भी लेना पड़ेगा, चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लो, चाहे स्काई के रिस्पेक्ट में लो, चाहे अपने रिस्पेक्ट में लो, किसी के भी रिस्पेक्ट में लो, लेकिन दोनों का सेम के रिस्पेक्ट में था। सो नाउ यू नो अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, थोड़ी सी बात आपको बताई और इसका एक फीलिंग भी आप ले सकते हो। अगर मान लो टू ट्रेन्स दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो आप बोलते हो कि एक दूसरे के अंदर उसकी स्पीड एड हो जाती है, ऐसा पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है ना। अगर दो ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, दोनों की स्पीड को आप ऐड कर देते थे बेटा, क्यों ऐड करते थे, इसी फॉर्मूले से ऐड करते थे। कैसे? अगर मान लीजिए ये इधर जा रहा है एक ए वेलोसिटी से, इधर आ रहा है एक बी वेलोसिटी से, वी बी, ठीक है ना। तो जो आप लिखते थे वी ए बी, अगर मैं यहाँ पर लिखूं वी ए बी मतलब एक वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी, तो v a कितना है, मान लो ये v है बेटा, ये भी v है, v a हो गया v और v b कितना हो गया माइनस v, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लेना पड़ेगा, तो कितना हो गया बेटा 2v, इसीलिए ऐड करते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब कहानियां ऐसी ही होती है बेटा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हमें सिखाता ही है, ठीक है ना। चलिए सो नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैंने यहाँ पर लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जो मैंने लिखा क्या लिखा बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्लियर बेटा। सो फाइनली यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया बेटा पर अलोंग इट्स एक्सिस, ये बात हो रही है along x-axis, उस एक्सिस की बात हो रही है जिसके परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को रखा गया बेटा। और दूसरा फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा y-axis के अलावा। तो y-axis के अलावा आपको क्या मिला था बेटा, velocity of image with respect to mirror is equal to velocity of object with respect to mirror, यहाँ पर कोई माइनस नहीं आया था बेटा,
मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये दोनों कैंसिल हो गया. वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. देखो बेटा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. y के अलावा कोई चेंज नहीं आया, x के अलावा चेंज आया. मतलब केवल और केवल उसी एक्सिस के अलावा चेंज आता है जो मिरर के परपेंडिकुलर है. बोलो यहां तक बातें क्लियर हैं? समझ आ गई सारी बातें? बोलो बेटा किसी को कोई दिक्कत? नो सर. गॉट इट ना? तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं. वेलोसिटी के ऊपर हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के ना आपको काफी सारी चीजें बताएंगे कि जैसे मैं अभी आपसे पूछता हूँ आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप बोलते नहीं पढ़ा है, तो वो सिचुएशन आपके साथ एराइज ना हो आगे की क्लासेस में प्लस वन प्लस टू में. दैट्स व्हाई ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम आपको डिटेल में पढ़ाते रहेंगे बेटा. क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास बचे ना क्लास टेंथ में वो क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कौन पढ़ता है? खुद से पढ़ लो ना? ये सब चीजें पढ़ने वाली है. इसको डिटेल में पढ़ते हैं बहुत सफिशियंट टाइम, ठीक है ना? तो इसको मैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के आपको एक्सप्लेन करेंगे. एक क्वेश्चन लिखकर उसको आपको करते हुए रुतान साहब की क्लास है क्या? यस सर. ओके ठीक है, मैं ये क्वेश्चन देता हूँ और आपको इसको करते हुए आना है. छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, जितना कंसेप्ट अभी तक बताया है ठीक है ना, जितना कंसेप्ट अभी तक बताया है उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको आना है. मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक मिरर है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने आप को रिज्यूम कर सकते हो. आप जो है भागना शुरू करते हो मिरर की तरफ कुछ एक स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से. तो आपको बताना है वॉट इज योर वेलोसिटी Your velocity तो given होगा. What is your image velocity? Okay. If पहला है mirror is in rest. अगर mirror rest में हो तो. दूसरा है बेटा mirror moving towards you. और तीसरा है बेटा mirror moving away from you. और किस स्पीड से? दोनों ही केस में सेम स्पीड बेटा 5 मीटर पर से, ठीक है? और ये सो दिस इज द क्वेश्चन. राइट डाउन दिस एंड आप इसको सॉल्व करके आइएगा. जो अभी फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे बातें करेंगे, इसकी बताएंगे आपको काफी सारी बात. आराम आराम से करेंगे, हमारे पास सफिशियंट टाइम है, ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद शायद एक ही चैप्टर है आपका उसमें. क्वेश्चन समझ आ गया? यू आर ऑल्सो मूविंग हॉरिजेंटली एंड मिरर इज ऑल्सो मूविंग हॉरिजेंटली. रिजॉल्व करने वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा. ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिक फॉर्मुले बेस पर, तो आप इसको सॉल्व करिएगा और कोई दिक्कत आएगा तो फिर मुझे बताइएगा, फिर इसको अगली क्लास में कल सुबह सॉल्व करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा. थैंक यू सर. एक कहानी सुना दी अभी भी सो रहे हो? थैंक यू. चलो बेटा थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर.